नागपुर शहर में एक और नायलोन मांझे को लेकर खलबली मची थी, तो वहीं दूसरी ओर पतंग उड़ाने के चक्कर में एक 13 साल की बालक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा धंतोली के कुम्हार टोली स्थित रेलवे ट्रैक के पास घटित हुआ। इसमें मृतक का नाम वंश प्रवीण ध्रुवे बताया जा रहा है। अब तक आपने नायलॉन मांझे वालों पर ही नकेल कसते हुए पुलिस को देखा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि मात्र चंद पैसों की पतंग के लिए अपनी जान पर पन आना किसे कहते हैं। दरअसल कटी पतंग पकड़ने के प्रयास में 13 साल के बालक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा अजनी के कुम्हार टोली स्थित रेलवे ट्रैक के पास घटित हुआ। मृतक का नाम ध्रुव प्रवीण ध्रुवे बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बच्चा रेलवे ट्रैक के पास स्थित झोपड़पट्टी में रहता था। दोपहर 4 बजे ध्रुव पटरी के पास खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर कटी हुई पतंग पर गई। पतंग पकड़ने के लिए ध्रुव पटरी की ओर दौड़ पड़ा और इसी दौरान यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी। आपको बता दें कि ये रेल लाइन नागपुर मुंबई रेल लाइन है। पतंग पकड़ने की धुन में उसे ट्रेन आने की आवाज ही सुनाई नहीं दी। ट्रेन का इंजन करीब आते ही वह अचानक से घबरा गया और घबराहट में उसका पैर पटरी में फंस गया। आपको बता दें कि इंजन के गुजरते ही ध्रुव के चिथड़े उड़ गए। हादसे का पता चलते ही बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए, साथ ही साथ इसका पता चलने पर जीआरपी की टीम भी वहां पहुंची। लेकिन जीआरपी का दल घटनास्थल शहर पुलिस की सीमा में आकर बताकर वहां से वापस लौट गया, जिससे लोगों में काफी रोष फैल गया। इस बीच स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी गई। इस दौरान धंतोली पुलिस की पीआई प्रभावती एकुर के मौके पर पहुंच गई। कल दिनांक 13/1/23 रोजी साधारणतः 4:30 दरम्यान आम्हाला फोन आला की कुंभार टोळीला लागून असलेल्या रेल्वे ट्रॅकवरती कोणीतरी मरण पावलेला आहे, पब्लिक जमा झालेली आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही स्पॉटवर गेले असता मुंबई नागपूर या ट्रॅकवरती एक लहान बालक व अंदाजे 13 वर्षाचा या मुलाचे बॉडी रेल्वे ट्रॅकवरती मुंबई नागपूर रेल्वे ट्रॅकवरती मिळून आले। त्याच्यामध्ये माहिती घेतली असता त्याचे वडील प्रवीण ध्रुवे यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली की जो ध्रुव प्रवीण ध्रुवे वय वर्ष 13 हा कुंभार टोळी परिसरातील राहणारा असून तो रेल्वे ट्रॅककडे पतंग खेळण्यासाठी गेला असावा। पतंग खेळण्यासाठी किंवा पतंग पकडताना रेल्वेची धडक लागून त्याचा मृत्यू झाला असेल असे त्यांनी तक्रार दिलेली आहे। त्याच्यावरनं मर्ग दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर बालकाला यशवंतपूर एक्सप्रेस रेल्वे गाडीने धडक दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये त्याचा मृत्यू झालेला आहे। मर्ग दाखल केलेला आहे, पुढील कारवाई करत आहे। आपको बता दें कि इस दौरान नागरिकों ने जीआरपी दल के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। धंतोली पुलिस द्वारा बार बार समझाने पर नागरिकों को शांत करना थोड़ा मुश्किल हुआ। इस घटना से पूरे कुंभार टोली में शोक की लहर फैली हुई है। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।